हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का बहुत सारा प्यार देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे पहले की थाली वाली वीडियो पे 20K हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स देख के बहुत ही खुशी होती है। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो इसलिए आज मैंने एक न्यू थाली की वीडियो बनाई है। आई होप आप सभी को अच्छी लगे। तो सबसे पहले मैंने इस थाली को भी सेम रेड ऑयल पेंट से पेंट किया है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश। जब भी आप ब्रश से पेंट करते हैं, इसके बाद उसको केरोसिन में ज़रूर वॉश करें ताकि आपका जो भी ऑयल पेंट है वो उस ब्रश से निकल सके, ठीक है। इसके बाद मैंने गोल्डन और वाइट कोन से कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ की है और कुछ प्लेस पे मैं कुंदन्स और मिरर्स का यूज़ करूँगी ताकि मेरी थाली और भी डेकोरेटिव दिखे और भी सुंदर दिखे। मैं नॉर्मली ये डिज़ाइंस फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग भी फ्री हैंड कर सकें। बहुत इजी डिज़ाइन मैंने इस बार चूज़ की है। आई होप आप सभी को अच्छी लगे और आपको इसको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप लोग में से बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा था कि ये कोन मैं कहाँ से लाती हूँ। एक्चुअली ये कोन मैं मार्केट से परचेस करती हूँ, पर अगर आपको भी ये कोन्स चाहिए तो आप इनको खुद भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ला सकते हैं। मार्केट में आप लोग सेरेमिक कोन या एक्रेलिक कोन्स के नेम से इनको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और जो लोग घर पे बनाना चाहते हैं, आप लोग घर पे भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैल्कम पाउडर, एक्रेलिक कलर एंड फेविकॉल। अगर आप टैल्कम पाउडर लेते हैं 1 स्पून, तो आपको फेविकॉल भी 1 स्पून ही लेना है। इसके बाद आपको कलर ऐड करना है एक्रेलिक कलर्स, उसमें आप 1 to 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग कलर को डाल सकते हैं, आपको जितना लाइट चाहिए आप उतना लाइट बना सकते हैं, जितना डार्क चाहिए उतना डार्क के लिए ज़्यादा ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे भी आप क्राफ्टी माइंड स्केची हैंड्स पेज पे अपलोड कर सकते हैं। मुझे देख के आप लोगों का वर्क बेहद खुशी होगी। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोगों को कैसे थैंक यू बोलूं, क्योंकि मुझे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी 20K उस वीडियो पे हो जाएंगी। मैंने कभी ऐसा सोच के बनाया भी नहीं थी वो वीडियो, तो मुझे ये सब देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। थैंक यू आप सभी को मेरा इसी तरह से सपोर्ट करते रहना प्लीज़। आई होप आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते होंगे, और इफ़ अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मैं कुछ गोल्डन कोन से कुछ नॉर्मल डिज़ाइंस बना रही हूँ। जैसे मैंने कुछ मेहंदी की डिज़ाइंस ले रखी है इसमें ताकि वो इजी रहे आप सभी को भी बनाते बने। ये मैंने एक थाली और 2 कटोरी का प्रॉपर सेट बनाया है। आगे मैं आपको 2 कटोरी भी बनाना सिखाऊंगी।
तो यहाँ मैंने ले रखी है 2 कटोरी, इसमें मैं वापस कुंदन पेस्ट कर रही हूँ बीच में फेविकॉल की हेल्प से, और फिर गोल्डन कोन से डिज़ाइंस बनाऊंगी और वाइट कोन से। अब थाली की सेम डिज़ाइन को मैं इसमें रिक्रिएट करूंगी ताकि वो ऐसा लगे कि ये सेट है पूरा प्रॉपर। और अगर आप इसी तरह से और भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स डाल दीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक्स के ऊपर आप मुझसे वीडियोस एक्सपेक्ट करते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाऊँ। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। पूरी थाली कंप्लीट होने के बाद इसको वार्निश करना ना भूलें, वार्निश ज़रूर करें ताकि ये कोन वर्क निकले ना। और मिरर्स के ऊपर वार्निश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर आप मिरर्स के ऊपर वार्निश करते हैं तो वो ब्लर हो जाएंगे और इससे मिरर का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आएगा। सो अब हमारी थाली कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो, और आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है।